नमस्ते दोस्तों, जब हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं तो हम सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि हम अपने दिलों की गर्मजोशी और स्नेह भी साझा करते हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये हमारे जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है। लाइफ कंपस में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जहां हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को खोजते हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। यहां आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। जब हम कहानियां सुनते हैं तो हम उन अनुभवों को जीते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक संवेदनशील और दयालु हो सकते हैं। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक भिखारी की। गौतम बुद्ध, जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते हैं, और एक भिखारी जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में करुणा और दया को अपना सकते हैं। ये कहानी हमें दया और प्यार का महत्व सिखाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उनकी मदद नहीं करते, बल्कि हम अपने दिल को भी खुश करते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने छोटे छोटे कार्यों से दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह हमें बताती है कि कैसे हम दूसरों की मदद करके खुद भी सुखी रह सकते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो हम एक मजबूत और खुशहाल समुदाय का निर्माण करते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथ चलें। इस सफर में हम उन कहानियों को खोजेंगे जो हमें प्रेरित करेंगी और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएंगी। ये सफर हमें यह भी सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उन कहानियों को सुनते हैं जो हमारे दिल को छू जाएंगी और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में बहुत सूखा पड़ा था, खेत सूखे पड़े थे, पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, लोग भूखे और उदास थे। गांव में हर तरफ दुख ही दुख था। बुद्ध ने लोगों का दुख देखा तो उनका दिल भर आया। गांव के रास्ते पर बुद्ध को एक भिखारी दिखाई दिया। उसका नाम कर्ण था। कर्ण की हालत बहुत दयनीय थी। वह एक लंबे समय से इस गांव के रास्ते पर बैठा था, उम्मीद में कि कोई उसकी मदद करेगा। कर्ण बहुत कमजोर और बीमार था। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कई दिनों से भूखा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी भूख और पीड़ा को बयां कर रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह एक पुरानी चादर में लिपटा हुआ था जो अब लगभग रगड़ कर खत्म हो चुकी थी। उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थीं और उसके पैर धूल और कांटों से भरे हुए थे। वह बहुत दिनों से भूखा था और उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और निराशा थी जो उसकी कठिनाइयों की कहानी कह रही थी। वह हर आने जाने वाले से मदद की उम्मीद करता था, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती थी। कर्ण ने बुद्ध से भीख मांगी। उसने अपने कमजोर हाथों को जोड़कर बुद्ध के सामने प्रार्थना की। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी जो किसी के भी दिल को पिघला सकती थी। उसने कहा, महात्मा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा और उम्मीद की झलक थी। वह जानता था कि बुद्ध एक महान संत हैं और उनकी दया से उसे राहत मिल सकती है। कर्ण की यह प्रार्थना केवल भोजन के लिए नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद और जीवन की तलाश थी। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसकी ओर ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी करुणा और समझदारी थी। उन्होंने कर्ण की हालत को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें कर्ण के लिए भोजन और पानी लाने का आदेश दिया। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। वह बुद्ध का आभार व्यक्त करने के लिए उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, कर्ण यह केवल तुम्हारी भूख मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए है। कर्ण ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना ने कर्ण के जीवन को बदल दिया और उसे एक नई दिशा दी। बुद्ध ने कर्ण की हालत देखी। उनके मन में कर्ण के लिए दया उमड़ आई। उन्होंने कर्ण से कहा, भाई मैं तुम्हें खाना तो दे सकता हूं, लेकिन उससे तुम्हारी भूख हमेशा के लिए नहीं मिटेगी।
मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो तुम्हें हमेशा के लिए दुखों से मुक्त कर दे। बुद्ध ने कर्ण को दया और प्यार का महत्व समझाया। उन्होंने उसे बताया कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपने दिल में दया और प्यार को जगह देनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, दया और प्यार हमारे जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, जब हम दूसरों के साथ अच्छे होते हैं तो हमारे अंदर की बुराई दूर होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं। यह हमें न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी बेहतर इंसान बनाता है। दया और प्यार ही हमें सच्ची खुशी और शांति देते हैं। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह खुशी हमारे दिल में भी बस जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। बुद्ध के शब्द कर्ण के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि वह अब तक अपने जीवन में क्या खो रहा था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी भीख मांगने से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलती है। उसने सोचा कि अगर वह दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके तो उसका जीवन भी बदल सकता है। कर्ण ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह भी दूसरों की मदद कर सकता है और उनके जीवन में खुशी ला सकता है। उसने अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जिंदगी में भी बदलाव आ रहा है। वह पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और मदद करना बना लिया। इस तरह कर्ण ने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारा और सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि दया और प्यार का महत्व कितना बड़ा है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई हमारे जीवन में भी लौट कर आती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपने दिल में दया और प्यार को जगह देनी चाहिए। यह हमें न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर दया और प्यार का संदेश फैलाएं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपने दिल में दया और प्यार को जगह देनी चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छे होते हैं तो हमारे अंदर की बुराई दूर होती है और हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर दया और प्यार का संदेश फैलाएं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। बुद्ध ने कर्ण को ध्यान लगाना सिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान के द्वारा तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपनी ताकत को पहचान सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम जीवन की मुश्किलों का सामना डटकर कर पाओगे। कर्ण ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और ध्यान करना सीखने का फैसला किया। कर्ण ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसका मन शांत होने लगा और उसमें नई ऊर्जा आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह भीख मांगने की बजाय कुछ अच्छा कर सकता है। कर्ण ने भीख मांगना छोड़ दिया। वह मेहनत करने लगा और अपनी जिंदगी बदल ली। उसने अपने अनुभव दूसरों को बताना शुरू किया। वह लोगों को दया, प्यार और ध्यान का महत्व समझाने लगा। कर्ण की कोशिशों से धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव वाले कर्ण के आभारी थे। उन्होंने कर्ण को अपना नेता चुन लिया। कर्ण ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। उसे अपने अंदर बहुत शांति और संतोष मिला। दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध और भिखारी कर्ण की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और प्यार ही सच्ची खुशी की चाबी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।